नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और कांग्रेस के दो दिन के जो चिंतन शिविर हुई है उसको लेकर के आज विधायक दल की बैठक भी की गई है। आखिर इस बैठक में क्या कुछ चर्चा की गई है, हम सीधे सुनते हैं आलमगीर आलम ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर के। यहाँ पर चिंतन शिविर कल से चल रहा है और कल जो आगामी काल जो है समापन भी होगा। और इस बार हम लोग विधानसभा सत्र चलने के पहले विधायक दल का मीटिंग हम लोग करते हैं, तो सभी विधायकों ने कहा था कि फिर यहाँ से घर जाएंगे तो देर हो जाएगी, वो हम लोग विधायक दल का मीटिंग यहीं करा लिए। और इसी निर्देश यही हुआ कि हर एक प्रमंडल में जाकर अभी एक वहाँ के जिला अध्यक्ष और उसके कार्यकारिणी के सदस्य ब्लॉक अध्यक्ष सबको एक प्रमंडल वाइज एक मीटिंग करेंगे, उसमें आप जहाँ तक आप लोग जा पाइएगा वहाँ जाकर आप लोग संगठन को मत शायद मने जाकर अपना उपस्थिति दर्ज कराइएगा। वैसे सत्र को लेकर नहीं, सत्र जैसे चलता है यूजुअल वैसे ही चलेगा। सत्र में कुछ नहीं, सिर्फ विधान बना हर एक प्रमंडल में एक मीटिंग होगा, उसमें जब जिसको सुविधा मिलेगा वो जाकर। तो आपने यहाँ पर सुना कि आलमगीर आलम ने कहा है कि जो दो दिन का ये चिंतन शिविर किया गया है इसमें हम लोग कई सारे मुद्दों को सुने हैं और इसमें से जो भी रिपोर्ट कार्ड जो निकलेगा वो कल 9 से 12 के बीच में इसका रिपोर्ट कार्ड जो है वो झारखंड प्रभारी को सौंपा जाएगा, अविनाश पांडे को सौंपा जाएगा। अब हम लोग सीधा सुनते हैं अविनाश पांडे ने विधायक दल की बैठक को लेकर के क्या कुछ कहा है और ये जो दो दिवसीय यहाँ पर जो अभी हो चुका है चिंतन शिविर उसमें क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। बैठक आज ही नहीं, पिछले दो दिन से जो चिंतन और मंथन चल रहा है उसमें कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी हमारा जो विधायक दल है उनके हर एक मेंबर्स ने और हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ही नहीं लिया, क्योंकि काफ़ी विषयों पर उन्होंने इस बार नेतृत्व भी किया है और अनेक विषय हैं जिनके ऊपर में आज रात को रिपोर्ट तैयार होगी और कल 9 से 12 के बीच में कल इसके ऊपर में एक प्रेजेंटेशन भी होगा। और इसके साथ में जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो इन सब विषयों को लेकर निर्णय लेगी और उससे संबंधित संगठन के संबंधित, राज्य सरकार से संबंधित, हमारे गठबंधन से संबंधित, केंद्र सरकार से संबंधित, इन सभी विषयों के ऊपर में हम आगे का दिशा निर्देश और कार्यक्रम तय करेंगे। आपने यहाँ पर अविनाश पांडे जी की बात सुनी, यहाँ पर उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के, जो विधायक दल की जो बैठक की गई है उसको लेकर के यहाँ पर सीधा उनका कहना है कि जो दो दिन का जो यहाँ पर अभी चिंतन शिविर हुआ है, तीसरा दिन कल है, इस अभी इन दो दिनों में क्या कुछ किया गया है, मंथन के दौरान विष भी निकला है और अमृत भी निकला है, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए कल 9 से 12 के बीच में रिपोर्ट कार्ड जब आएगा सभी लोगों के द्वारा उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा और सरकार में जो भी कमी अभी है उसमें क्या कुछ और किया जा सकता है जिससे कि जो कमियां हैं वो खत्म हो सके। अब हम लोग सीधा सुनते हैं कि आखिर इसको लेकर के राजेश ठाकुर ने क्या कुछ कहा है। सभी विधायकों को मौका मिला था अपने अपने चिंतन पर डिस्कशन करने के लिए और डिस्कशन जो ग्रुप था उसमें सभी विधायक अलग अलग ग्रुप में थे और सबने मंथन किया है और मंथन का जो ठीक कहा हमारे प्रभारी जी ने जो भी निकलेगा उसका कल आप सबों को बताया जाएगा। और हम समझते हैं कि अभी जो सारे लोग चर्चा किए हैं उसकी एक जो रिपोर्ट बनेगी तो वो रात्रि में रिपोर्ट बनेगी, सुबह प्रभारी जी को सौंपेंगे और उस निमित्त फिर प्रभारी जी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब संबोधित करेंगे तो सारी बातें आपके सामने होगी कि चिंतन शिविर में हमने क्या क्या मंथन किया और क्या क्या निकला है। तो यहाँ पे आपने राजेश ठाकुर को सुना कि दो दिन ये जो बीते हैं चिंतन शिविर के इसमें कई सारी चीज़ों पर चिंतन किया गया है, मंथन भी हुआ है कि किस तरीके से झारखंड सरकार जो है उसमें क्या कुछ कमियाँ हैं, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कमी है उसको देख करके ही सारा निर्णय लिया जाएगा और साथ ही साथ जितने भी अभी जो भी यहाँ पर परेशानी है उसको किस तरीके से ठीक किया जाए उस पर भी विचार विमर्श किया गया है इस विधायक दल की बैठक में। कल रिपोर्ट कार्ड सबमिट होगा, उसके बाद और क्या क्या कार्यक्रम तय होते उस पर भी चर्चा होगी और उसके बाद सभी लोगों को उनका कार्य सौंपा जाएगा। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार, मैं पूजा, नमस्कार।